नाउ डी एक्सरसाइज 3.3 आज सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बारी है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बारी है, इसलिए आज फॉर्मूला पूछकर मारा मारी है। आज हम आप लोगों से फॉर्मूला पूछेंगे, हम हमेशा बतलाते हैं, देखो जीवन में यदि आप मुस्कुराना चाहते हैं मतलब जीवन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए तब मुस्कुराएंगे आप। यस सर। जीवन में समस्या तब नहीं होगी जब आप पढ़े लिखे इंसान बनेंगे। अब पढ़े लिखे इंसान बनने के लिए जैसे देश संविधान से चलता है हमारा मैथ फॉर्मूला चलता है, अगर फॉर्मूला आप नहीं याद करेंगे समझिए आप अपने जीवन को बर्बाद करेंगे। तो आज पिटाई करें कि कल याद करके आओगे तो कल पूछेंगे, ये वादा है, प्रॉमिस। तो कल पूरा फॉर्मूला करके आइएगा सर, ट्रिग्नोमेट्री और फॉर्मूला का वीडियो मैंने डाल दिया है, उसको पूरा सुनिए, कान लगा कर सुनिए। भजन से सुबह सुबह जो देखते हैं ना हरे घर में भजन लगता है, हम ये नहीं बोलते मैं नास्तिक नहीं हूँ, भजन नहीं सुनना चाहिए, लेकिन भजन सुन करके मैंने किसी को नौकरी प्राप्त करते नहीं देखा है। सर काली मंदिर के पुजारी भी है यहाँ पर, तो जिंदगी में बेचारे पूजा किए काली मंदिर के धोते पहुंचते हैं लेकिन उनका लड़का जो है बेरोजगार है, लेकिन फॉर्मूला याद करके पढ़ लिख करके मैंने हजारों गरीब नौजवानों को या कोई भी नौजवान को नौकरी प्राप्त करके देखा है। सर आपके लिए भजन यही है, दुर्गा पूजा यही है। दुर्गा पूजा क्यों लोग करते हैं? शक्ति प्राप्त करने के लिए। शक्ति आप में कब आएगी? जब आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे ना, देखिए एक एसपी को शक्ति कैसे मिला है? पूजा करने से एसपी बनाया, वो भी साधारण आदमी है, ऊपर वाला ने सारा सामान उतना ही दिया है उसके शरीर में जितना आपके शरीर में है, हो सकता है आपके शरीर में बढ़िया बढ़िया हो, मोटा ना जाओ, मजबूत मजबूत हो, लेकिन उस शक्ति प्राप्त किया तपस्या करके। तपस्या क्या है? पढ़ाई। तो आप भी तपस्या कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, आप में वो शक्ति आएगी जो एसपी में है, जो डीआईजी में है, जो दरोगा में है, जो टीचर में है, जो कर्नल में है, जो लेफ्टिनेंट में है, जो इंजीनियर में है, जो डॉक्टर में है, वो शक्ति जो एयरफोर्स में है, काइंड गार्जियन। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, बात सुनारा है। तो कल पक्का ठोकाई होगी, गुरुकुल रीत सलाह चली आई, जो फॉर्मूला नहीं सुनाई वो जरूर पिटाई। चल रहे फॉर्मूला याद करके आएंगे सर, चलते हैं हम सर एक्सरसाइज 3.3 का क्या क्वेश्चन तक बताए थे हम? बस कितना तक? 20 तक बता दिए थे डियर। 20 से आगे हम जानते हैं कि 21 आप लोगों से नहीं बना है, जो बन जाएंगे बहुत अच्छी बात है। किससे किससे बना है खड़ा कीजिए, एक से, बाकी का खड़ा ही नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाबा विटामिन दे रहा है, हाथ और जिनसे आपका भी खड़ा होगा सर, आप भी हाथ खड़ा करेंगे। गार्जियन चले 21 प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ कुमार सिंह जी फ्रॉम मथुरा। एलजेस देखिए क्या है, एलजेस है आपका कॉस फोर एक्स, कोई खड़ा होकर लड़का सवाल बोलो, कॉस फोर एक्स प्लस कॉस बोलो कॉस थ्री एक्स, कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई साइन फोर एक्स, साइन फोर एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन टू एक्स। गौर से सुनना बाबू, तीन लोग मिले हैं लेकिन काम बनता है दो लोगों में, तब कैसे तब कैसे जाकर दो लोगों में काम बनता हूँ? नहीं नहीं, दो लोग में आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, या तो साइन सी प्लस साइन डी पढ़े होंगे या तो कॉस सी प्लस कॉस डी पढ़े होंगे, साइन सी प्लस साइन डी प्लस साइन डी थोड़े पढ़े होंगे, काम बनता है दो लोगों में, लेकिन तीन लोग में दो लोगों में किसमें पटेगा, मैंने किसमें जो है गन्ना पन्ना बैठ रहा है, मतलब साइड सगुन किसमें बैठ रहा है, कैसे जानेंगे हम लोग, कैसे जानेंगे कि दोनों में बैठ रहा है? तो दोनों को जोड़ के दूसरे भागा देंगे या तो घटा के दूसरे भागा देंगे, अगर तीसरा आ जाए समझेंगे दोनों में बैठ रहा है। सर क्यों जोड़ के दूसरे भागा देंगे, घटा के दूसरे भागा देंगे? तो फॉर्मूला जानते हैं डेयर, पीछे वाले गौर से देखेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का होता है 2 sin प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस 2 माइनस डी बाई 2, और इसका होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखें दोनों को जोड़कर दो से भागा दिया है, दोनों घटा के दो से भागा दिया गया है। दो ऐसे लोगों को साथ में रखेंगे जिनको संपर्क कराने से तीसरा का जन्म हो जाए, इसे देखिएगा। अगर 4 और 3 को संपर्क कराते हैं हम लोग, तो 4 और 3 को जोड़ोगे कितना का 7, 7/2 मतलब 3.5 है ये, घटा
घटाओगे तो चार बच दिन जाएगा तो एक बटे दो है ये मतलब दोनों में नई साइड सब गुंडे बैठ जाए फिर शादी ब्याह सब में नहीं होता है। पंडित जी पत्रा देखते हैं किकरा किरा में गुण बैठ रहा है किकरा में दोनों में गुण नहीं बैठ रहा है। अब इन दोनों में भिड़ा के देखेंगे चार और दो जोड़ोगे छह बटे में दो करोगे कितना आएगा टाइट चार दो और चार दो जिसमें जिसमें बैठेगा मतलब जो जो साथ रहेगा उसको करेंगे घर में बंद साथ करेंगे चालू cos 2x cos 4x plus cos 2x plus cos 3x एनी प्रॉब्लम डिवाइड बाय शांति पूर्वक सुने प्रॉब्लम जो होगा आपको हालांकि प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपका जहां जहां दर्द है बाबा सब जहां दर्द। इसके बाद ही दोनों को जोड़ेंगे sin 4x plus sin 2x। अब फॉर्मूला याद करने के लिए हम क्यों जोड़ दे रहे हैं जब सुनिएगा गौर से अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो इसको साइन सी प्लस कॉस सी प्लस कॉस जी पर डिसीजन दीजिएगा। खाली घर में मन करे से नहीं काम होगा काम करे आना चाहिए घर में मन करिए काम करे आइए गड़बड़ हो जाएगा क्या। शुक्ला जी वाले कहाँ का रहता है ब्लैक टी शर्ट क्या नाम है आपका कहाँ का रहता है तो ये देखिएगा आप दीपक जी थोड़ा आगे भी कभी बैठा कीजिए हमेशा पीछे नहीं बैठना चाहिए पीछे बैठने से आपके मन में एक भ्रम बराबर समाज में पीछे बैठने लगेगा फिर घर में पीछे बैठने लगेगा पढ़ाई में पीछे बैठ रहे हैं। हमेशा कोशिश करो कि हम जब रहेंगे तो दुनिया सोए या जागे बाबू रहेगा आगे। cos c plus cos d फॉर्मूला के सामने बोलिए मत क्यों समझ में नहीं आएगा देर बोलिएगा 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 अब प्लस क्या है cos डिवाइड बाय साइन c प्लस साइन d c की जगह पर 4x है और d की जगह पर 2x है साइन c की जगह पर 4x है प्लस साइन डी की जगह पर 2x है तो मतलब सामने है 2 sin c plus d divided by 2 into cos c minus d divided by 2 plus sin 2x। देखेंगे आप 2 cos 4 2 6 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
साइड टू एक्स डिवाइड बाय टू साइन चार और दो छह बटे दो थ्री एक्स इंटू कॉस और माइनस टू टू बाय टू एक्स सकी प्लस साइन थ्री एक्स देख कॉस थ्री एक्स यहां भी है यहां कॉमन आएगा कॉस थ्री एक्स कॉमन लोग हम जाएगा टू कॉस एक्स प्लस वन कॉस थ्री एक्स पूरा पूरी कॉमन ले लिए नीचे में देखिए साइन थ्री एक्स यहां भी साइन थ्री एक्स यहां भी कॉमन आएगा साइन थ्री एक्स टू कॉस एक्स प्लस वन नाउ दिस कैंसिल एंड कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा दो फॉर्मूला होता है ये भी दोनों फॉर्मूला ही है एक और लिख लीजिएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा नाउ दिस योर कॉट थ्री एक्स नाउ दिस योर आर एच एस फॉर्मूला याद कीजिए सर आपके बूढ़े पिताजी हैं जवान पिताजी हैं कोई भी हैं तो आपसे तो बूढ़े ही हैं इंतजार कर रहे हैं कि मैं बेटा को पैसा कमा करके दे रहा हूँ अपने ऐसा कपड़ा नहीं पहन रहे होंगे जैसा आपको देते हैं सब गार्जियन अपने बच्चों से प्यार करते हैं इंतजार में कि मेरा बेटा नौकरी लेकर कर आएगा ताकि गाँव में सीना टाइप करके बनूंगे और उसका एक ही उपाय फॉर्मूला पूरा याद कीजिए रूल रेगुलेशन याद नहीं रहेगा आपसे सवाल नहीं बनेगा और सवाल आपसे नहीं बनेगा तो आपको नहीं बनेगा प्लीज आपके पेरेंट्स की तरफ से भी मान रोड गए तो प्रॉब्लम यह है कि जोड़ने से मानिएगा कि कोड़ने से मानिएगा डिपेंड आपके करते हैं कहा से मान लो जोड़ने से नाउ डेट करते हैं हम लोग आगे 21 के बाद हम शुरुआत करते हैं डेट 22 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कोई बनाया है क्या कोई नहीं बनाया चलिए कोई दिक्कत नहीं हम बनाएंगे नहीं ना गाड़ी आपसे नहीं बना मिस्त्री किस लिए है 24 नहीं सर 22 ये टू बना
आयुष cot x cot 2x cot 2x minus minus cot 2x cot 2x cot 3x cot 3x minus minus cot 3x cot 3x cot x cot x बस इक्वल टू क्या है इक्वल टू मान लाना है इक्वल टू लाना है हमारा बीच में लिख देंगे यहाँ cot और tan का सवाल इस तरह का मिलता है सर ट्वेल्थ से आगे से नहीं चलना पड़ता है अपने दिमाग से चलना पड़ता है कैसे चलते हैं हम बताते हैं तरकीब क्या है तरीका क्या है क्या उसका ट्रिक है क्या उसका तकनीक है क्या उसका टेक्निक है इसमें पूरे में नजर डालेंगे नजर डालने आता है ना सबसे बड़ा कौन एक्स बड़ा है टू एक्स बड़ा है टू एक्स बड़ा है थ्री एक्स बड़ा है थ्री एक्स बड़ा है थ्री एक्स बड़ा है थ्री एक्स अब मजा तो देखो थ्री एक्स दो चीजों से जिन जिन चीजों से बनता है उन्हीं उसमें मौजूद है मैंने अगर खीर है घर तो मैं दूध चीनी चावल भी है मतलब थ्री एक्स है तो टू एक्स और एक्स भी है नहीं है सनराइज मेलिटिस चलेंगे नारिटिस चलेंगे अपने दिमाग से चलेंगे ऊपर वाले ने सबसे ऊपर ने क्या दिया है दिमाग है मतलब नौजवानों पहला इस्तेमाल इसी का करो लेकिन नौजवान इसका इस्तेमाल कम करता है नीचे वाला इस्तेमाल ज्यादा करता है ऐसा नहीं करते हैं पहला इस्तेमाल दिमाग है लिखेंगे सिंस एज वी नो दैट सिंस मतलब होता है चुकी एज वी नो दैट चूंकि हम लोग जानते हैं कि 3x इक्वल टू 2x प्लस एक्स एनी प्रॉब्लम टू एक्स प्लस एक्स खत्म होता है नहीं होता है दोनों तरफ कॉट लेंगे क्या लेते हैं कॉट इधर भी कॉट ले लेंगे और इधर भी कॉट ले लेंगे लेकिन टेकिंग कॉट टेक मैंने कॉट 3x बराबर कॉट 2x प्लस एक्स हम बार बार बोले सर बिना फॉर्मूला का मैथ नहीं चल सकता अब देखिएगा अगला दिन फॉर्मूला लिखवाए हैं डियर कॉट ए प्लस बी आज हम पूछेंगे नहीं तो बहुत लोग क्या जाएगा कॉट ए टू कॉट बी माइनस वन डिवाइड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए कॉट ए टू कॉट बी माइनस वन बाय कॉट बी प्लस कॉट ए लिखवाए देखेंगे आप देखो हमेशा हम दिमाग का इस्तेमाल या ऊपर वाले का इस्तेमाल करने के लिए क्यों करते हैं क्योंकि नीचे वाला का इस्तेमाल करने वाला कोई बड़ा भी नहीं होता अब देख लीजिए इससे नीचे हाथ भी है पैर भी है रिक्शा वाला एक एसपी से ज्यादा मेहनत करता है रिक्शा वाला एक डॉक्टर से ज्यादा मेहनत करता है रिक्शा वाला जो उस पर बैठता है करोड़पति उससे ज्यादा मेहनत करता है लेकिन इस्तेमाल कहां करता है नीचे वाला पैर का करता है तो बड़ा भी ना रिश्ता के लिए मेहनत करने से भी कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है अभी उसके पास दिमाग नहीं है आप एक आदमी पूजा पाठ करते हैं काली मंदिर के पुजारी रोज पूजा करते हैं लेकिन वो भी इस्तेमाल नीचे वाला करते हैं जहां करते अगर पति हाथ से दिखाए तो दिमाग से दिखाते हैं कभी नीचे इसलिए इस्तेमाल हमेशा कुछ करके लिए तो दिमाग नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला कॉट ए प्लस बी थोड़े क्या है बोलो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन डिवाइड बाई कॉट ए सुनिएगा कॉट ए प्लस बी ए की जगह पर टू एक्स है और बी की जगह पर कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन ऐसे ही सब लाइन मानकर फॉर्मूला लिखते हैं प्लीज लिख दिया कीजिए ताकि घर में समझ में आए कि किसे इसको थोड़े हैं हम देखना ये cos c प्लस cos d पर थोड़े हैं और sin c प्लस sin d पर ताकि आपको समझ में आए मुझे घर में जाने पर फिर खिजवा लेता कैसे बनाया समझ भी नहीं आ रहा तो आप कॉल करो 24 घंटा दवा करवा भी खुला रहता है एक से तीन मत कॉल करना थोड़ा आराम करते हैं चले तो डिवाइड बाय cot b प्लस cot a मतलब cot 2x प्लस कितना नहीं दो cot x कोई प्रॉब्लम इतना बड़े में क्वेश्चन तो वन है क्रॉस करने आता है एक मिनट कॉट ए सुन जाइए कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन बटे में कॉट बी प्लस कॉट ए मतलब कॉट एक्स प्लस कॉस टू एक्स चार प्लस पांच या पांच प्लस चार कोई दिक्कत चार प्लस पांच को मैं पांच प्लस चार ही लिख दिया था गुनाह कर दिया
कार्तिक जी गुनाह कर दिए, अब क्या करना है इसमें लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे इसमें इससे आइए करते हैं इससे क्या हो जाएगा, वन से करोगे तो कोई बात नहीं, यानी कॉट टू एक्स माइनस वन बराबर इससे इसमें भी अब इससे कॉट टू एक्स इंटू कॉट इससे इसमें फिर इससे प्लस कॉट थ्री एक्स, काम कर रहे हैं माइनस को भेज रहे हैं उधर और दोनों को भेज रहे हैं कॉट टू एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट टू एक्स इंटू कॉट यू प्लस आया क्या हो जाएगा कॉट थ्री एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू माइनस वन हो गया वन एक टू हो गया सर, कैसा लगा एकदम अच्छा लगेगा सर, सबसे फॉर्मूला याद हो, ट्रिग्नोमेट्री मतलब कुछ नहीं हलवा डालो अंदर चला जाए, लैक्टोनियन चबाने में लेट लगेगा, बस अपने फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, राइट डाउन कीजिए प्लीज इसको, देखा आपने दोनों क्वेश्चन जो मैंने बताया फॉर्मूला कितना बड़ा योग है उसमें, फॉर्मूला इज ऑक्सीजन ऑफ एनी क्वेश्चन, ओके नाउ डेट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का होल स्क्वायर है जी, और देखिए क्या है पूरा क्वेश्चन लिखते हैं हम, टेन फोर एक्स इक्वल टू प्रूव करना है, टेन फोर एक्स इक्वल टू फोर टेन एक्स फोर इंटू टेन एक्स अंडर ब्रैकेट वन माइनस कितना है बोल दो टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस क्लास टेन फोर टू द पावर फोर ओके ओके ये आपका इंटरेस्ट हुआ ये आपका चलेंगे मेरे से चलिए टेन फोर एक्स अब इतना छोटा से इतना बड़ा बनाना है जी, बैलून नहीं है कुछ नहीं आता है जोर से फूक दिया बड़ा हो गया फूकने से होगा नहीं फूकने से हो जाएगा एवं दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे दिमाग लगाएंगे, आइए हम देते हैं दर्द के पहले दवाई ताकि नौजवानों को नहीं दुखाई, जब जब सवाल बनाई पीछे से भाई आपको तकलीफ हो रही है तो खराब कोई फॉर्मूला बताइए तो देखते हैं याद है कि नहीं याद है, टेन टू ए का फॉर्मूला टेन टू ए एनी स्टूडेंट पीछे बारने से नहीं काम चलेगा बाबू यहां पर डायरेक्ट आप दिमाग को उघाड़िए सर, पता इतना छोटा जो है मोबाइल है जिसको इंसान ने बनाया है कितना मेमोरी है उसमें कि कितना वीडियो उसमें रख सकता है अंदर में 128 GB तक, ये आपका जो है ना ये केवल इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो मतलब जीबी सब खाली है इसमें खाली गलत गलत चीज से भर दिए हो, इसको पूरा फॉर्मेट मारो पहले वायरस घुस गया है फॉर्मेट मार करके मेरा वाला कल डाउनलोड कर दो डाल दो उसमें कल तुमने आपको क्या कर दिया आप देख के बोल दीजिएगा डियर होता है ठीक है टेन टू ए बराबर टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए, वीडियो में सारा फॉर्मूला डिटेल में समझाया हुआ है सर, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला वीडियो डाले जाए उसको प्लीज जाकर के दो बार तीन बार सुनो आंख मुनो और तब सुनो नारा कहो सर फॉर्मूला तो टेन टू ए का लेकिन यहां से चार ए है कोई बात नहीं काम करेंगे दो बार में तोड़ेंगे आप दो क्विंटल वजन ढो सकते हैं आपका धान जो है खरिहान में चार क्विंटल हो गया है दो बार में ढोएंगे धान में छोड़ देगा खरिहान में नहीं इसको करेंगे टू इंटू टू एक्स एनी प्रॉब्लम टेन टू ए की जगह पर पूरा हो गया टेन टू ए टेन टू ए की जगह पर क्या है टू एक्स फॉर्मूला सामने है काहे कल सर मैंने सामने है सामान आपको लाओ चेहरे पर मुस्कान कितना है टू टेन ए एक जगह क्या है
डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर प्लस। अब फिर एक बार ढो दिए, अब जो दूध कुछ बचा है फिर ढोएंगे, ढोते रहना पड़ेगा आपको। देखिए आइए मजा लीजिए, 2 इंटू टेन टू ए फॉर्मूला देख रहे हैं ना, टेन टू ए योर 2 टेन ए डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा। देखना ई लाइन यहां पर आया है, ई लाइन को यहां मारे हैं, ई टू को टू लिखे हैं और टेन टू ए का फॉर्मूला पर तोड़े हैं। समझ में नहीं आ रही होगी बात, आ रही है नहीं आ रही तो बोलो ना, बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर टू एक्स को मतलब कि टेन टू एक्स का क्या है तो होल स्क्वायर है। देखिए फॉर्मूलों का भी स्क्वायर हो जाएगा, टेन टू ए का मान रखेंगे नहीं बोला, उसका पूरा का चूंकि स्क्वायर पूरा क्या जाएगा होल स्क्वायर, क्या 2 टेन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस का इसी को सोल्व करना है जी। देखिए कैसे सोल्व करते हैं, 4 टेन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एंड डिवाइड बाई इतना का भी स्क्वायर इतना का भी स्क्वायर, दिक्कत है एलसीएम कितना होगा, इतना का हल स्क्वायर होगा इतना 1 बाई कितने तो माने ना है जी, जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का एक्स जाएगा कहाँ होने जाएगा जाएगा माइनस ये बचेगा ना एक स्क्वायर बचेगा दोनों का एनी प्रॉब्लम, देखना बढ़िया से दिस बाय दिस बाय दिस बाय दिस हालांकि रहेगा, 4 नीचे हमारा दाब दिया अक्का पक्का लग रहा है, ऊपर ले चलो तो ऊपर सही में जाता है नहीं पड़े जैसे 3 बाई 2 बाई 5 बाई 8 ऊपर नहीं जाता है, ये 3 बाई 2 इंटू 8 बाई 5 क्या क्या हमारा ऊपर ले चलो, हम चलो तो कहा नहीं करते हम तो बराबर लेकर आए पूरे बहुत लोगों को, तुम भी चलो तो कितना जाएगा 4 टेन एक्स बोलो है बाई कितना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ये कहाँ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का बटे में ही बोला रहेगा। नाउ दिस इज द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बनता टेन स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम यहाँ का स्क्वायर हो जाएगा वो तो बढ़ जाएगा नहीं कटेगा तो जाएगा 4 टेन एक्स इंटू को बचेगा ना 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ऊपर वाला तो लगता है आ गया, ऊपर वाला देखना ही लाना था ना और नीचे में देखो मजा है यहाँ कितना है 1 1 मिनट प्लीज यहाँ पर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स तो है क्या जी है नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो मैंने किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी ये माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स नहीं है ओके okay? एक तो बच गया 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स नीचे में बचा 1 प्लस टेन के पावर अब माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स और माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स माइनस लाना भी यही है थोड़ा सा सजाया हुआ है नहीं सजाया हुआ है 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई जिसे सजाओ जैसे सजा दो पहले लिखा हुआ है उसके बाद देखा इसको किसी को प्रॉब्लम है हाथ खड़ा करेंगे स्तंभ खड़ा हो जाएंगे ताकि हम फिर समझा दें। आइए देखिए एक बार फिर से एक बार फिर से एक सवाल मिला जी एलसीएस मैंने लिखा एलसीएस में आएगा 10 4x कि हम लोग सोच रहे हैं कि यार 10 4a का फॉर्मूला तो नहीं है मेरे पास हाँ 10 2a का है मतलब मिल गया 4 क्विंटल हम दोनों जानते हैं 2 क्विंटल
जाते हैं। दो क्विंटल जैसे होते हैं कैसे होते हैं, इसका फॉर्मूला है 2 tan A / 1 - tan² A। 10 4A को मैंने लिख दिया 10 2 × 2A, कोई दिक्कत भूल जी 10 4A 10 2 × 2A ले सकते हैं। 10 2 A की जगह पूरा है, समझिएगा किसी जगह पर है जी, क्या 2 tan A की जगह 2x / 1 - tan² A लगा दिए, 2 को छोड़ दिए, फिर 10 2x का वही फॉर्मूला, 2 को छोड़ दिए और 10 2x का फिर वही फॉर्मूला, क्या 2 tan A / 1 - tan² A divided by 1 को मैंने 1 लिख दिया, कि 1/1 को 1 होता है उसमें रहेगा 1, माइनस था मैंने माइनस दिया, यह 10 2x का स्क्वायर है, 10 2x का फॉर्मूला ले क्या कर दिए स्क्वायर स्क्वायर कर दिए। चलिए अगर टू जा 4 tan x / 1 - tan² x नीचे में ले लिया एलसीएम, ये है कितना का भी स्क्वायर, नीचे में इतना का भी स्क्वायर, इतने के स्क्वायर का 1 का एलसीएम हो जाएगा, इतने का स्क्वायर कहां से जाएगा उधर गया, अब ऊपर बच गया 2 × 4 tan² x कोई दिक्कत, अब था दिस बाय दिस उलट दिए दिस बाय दिस, अब गुना जब किए तो नीचे चल गया कहां ऊपर, ऊपर आ गया a - b के स्क्वायर को तोड़े a² तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस b² tan² का स्क्वायर की जगह 4 हो जाएगा, -2ab और -4tan² जो होगा एक तो कट गया एक तो बचा ना, तो 4 tan x / 1 - tan² यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में ही प्रॉब्लम है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 4x और -2tan² x और -4tan² x -6, अरे -2 और -4 कितना होगा नहीं होगा, इसी सजा दिए इसका नोट डाउन करो, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम भाई क्वेश्चन बना के आएंगे, जो दिक्कत होगा अगले क्लास में वीडियो में बताऊंगा।